स्वतंत्र भारत का जो लग्न है वो वृषभ लग्न है, और वृषभ लग्न में सूर्य और बृहस्पति का जो संयोग है वो शासन सत्ता में बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव की सूचना दे रहा है। यानी राजनैतिक रूप से किसी बड़े उलटफेर के लिए, किसी बड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब ये तो हो गया कि सूर्य देव जब राशि बदल रहे हैं उस समय के ग्रह आने वाले एक महीने में कौन सा इशारा कर रहे हैं। अब ये जानते हैं कि इस राशि परिवर्तन का सामान्य प्रभाव क्या होगा, सामान्य रूप से देश दुनिया पर इसका कैसा असर पड़ेगा। आगजनी की घटनाएं और वायुयान दुर्घटनाएं घट सकती हैं। ज्यादातर आग से, अग्नि से नुकसान होना या वायुयान दुर्घटनाओं का घटना ऐसी संभावना बन सकती है। युद्ध की स्थिति और ज्यादा निगेटिव हो सकती है। दुनिया भर के देशों के बीच में बेवजह का तनाव, बेवजह का टेंशन हो सकता है। लोगों के स्वास्थ्य में समस्या आएगी इस समय, और ज्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर के मामले में और पेट के मामले में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोगों के स्वास्थ्य में समस्याएं आएंगी और रोगों के मामले में, बीमारियों के मामले में इस समय वृद्धि हो सकती है। जैसा आपको पहले कहा कि सूर्य इसमें इन्वॉल्व हैं और राशि परिवर्तन के समय अष्टम में हैं, इसीलिए राजनैतिक रूप से ये समय बड़े परिवर्तनों का और बड़े उतार चढ़ाव का समय हो सकता है। एक सामान्य सलाह ये है कि इस समय एक आम आदमी को वाहन चलाने में और आग के कार्यों में, अग्नि के कार्यों में विशेष सावधानी रखनी होगी। हालांकि आगे हम बताने जा रहे हैं कि अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का अगले एक महीने तक कैसा प्रभाव होगा, लेकिन सामान्य रूप से आप जान लीजिए कि वाहन चलाने में सतर्क रहें, अग्नि के कार्य, बिजली के कार्य, लंबी यात्राएं, इनको लेकर के इस समय अलर्ट रहना चाहिए, इनको लेकर के इस समय चैतन्य रहना आपके लिए जरूरी होगा। तो अगला एक महीना देश दुनिया में बड़े परिवर्तन करने को तैयार है। ज्यादातर ये परिवर्तन लोगों के स्वास्थ्य और राजनैतिक स्थिति पर बड़ा असर डाल देगा। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अगले एक महीने तक अलग अलग राशियों पर भी प्रभाव डालेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।